चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए एक यूनिक सा स्नैक, जिसे बनाने के लिए ना ही हमें अंडे चाहिए और ना ही मोल्ड, और ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। हाय, मैं हूँ कविता दुबे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप गुनगुना दूध। अब इसमें जाएगा 1/4 कप पिसा हुआ चीनी। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ईस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है तो 5 मिनट काफ़ी है। ठंड के दिनों में लगभग 10 से 15 मिनट तक छोड़ना पड़ता है। 1 कप मैदा लेंगे और 1 कप मैदा में लगभग 6 से 7 पीसेस बन जाएंगे। 5 मिनट हो गया है और ईस्ट भी हमारी एक्टिवेट हो गई है, तो अब इसे भी मैदा में डाल देंगे। अब इन सबको बस बाइंड करना है, हमें इसे गूंथना बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी सी चिपचिपी लगेगी, लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब इसमें जाएगा 1 बटर की क्यूब मेल्ट की हुई। इसे बस डो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बस एक डो के फॉर्म में लाना है। ये देखिए, ये हो गई है, तो अब इसे ढककर कम से कम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे, या तब तक जब तक इसकी साइज थोड़ी डबल ना हो जाए। तो लगभग 25 मिनट हो गया है और ये देखिए अच्छे से फूल गई है। इसे धीरे से एक पंच मारेंगे और इसे फिर से अच्छे से इकट्ठे कर लेंगे। अब बस इसे 5 मिनट तक अच्छे से गूथ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हल्का सूखा मैदा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा मोटा ही इसे बेल लेंगे। इसकी थिकनेस इतना रहनी चाहिए, क्योंकि अभी ये और फूलेगी। अब कोई भी कटर या फिर ग्लास की मदद से इस तरह से इसे गोल कट कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसे हटा लेंगे और उसे फिर से बनाएंगे। अब जो हमने डो कट करा है उसे एक बटर पेपर पर रखेंगे, उसके ऊपर एक ढक्कन से इस तरह से गड्ढे बना लेंगे। अब गड्ढे के चारों तरफ इस तरह से चाकू से कटमक लगा लेंगे। बस अब एक एक को पकड़ के इस तरह से प्रेस कर देना है, तो ये फ्लावर की शेप में बन जाएगी। आप इसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, और अगर आप डिज़ाइन नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे गोल कट करके भी बना सकते हैं। एक बार फिर से इसे ढक्कन से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे सेट हो जाए। इसी तरह से सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इसे ढक कर कम से कम 15 मिनट छोड़ना है ताकि ये और फूल जाए। तब तक मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से गरम हो गई है, तो एक को निकाल लेंगे और बाकी को ढक देंगे। अब बटर पेपर को बस इस तरह से करेंगे तो आसानी से ये कढ़ाई में गिर जाएगी। इसे अब बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बार बार स्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये टूट सकती है। बटर पेपर पर रखने का इसका एक रीज़न है, ताकि इसकी शेप बरकरार रहे और हमें इसे कढ़ाई में डालने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए, ये अब हो गई है, इसे अब निकाल लेते हैं। है ना ये कितनी इजी? तो आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा जैम लगाने से देखने में ये बहुत अच्छी लगती है, और जैम के साथ खाने में इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, कैसी लगी आपको मेरी ये फ्लावर डोनट की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए, मैं तो चली भाई खाने, फिर मिलते हैं एक नए स्वीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।